आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ लेकर एक रियल सक्सेस मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसे बेटे की जिसे कामयाब करने के लिए पिता ने अपनी जमीन संपत्ति सब कुछ बेच दी। ये स्टोरी है गरीबी और बुरे हालात से लड़ने के बावजूद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम को टॉप करने वाले एक रिक्शे वाले के बेटे की। एक कमरे में रहने वाले 5 आदमियों के कई दिन तक भूखे रहने वाले परिवार की, जिन्होंने अपने बुरे हालात में घुटने न टेक कर सफलता के नए झंडे गाड़ दिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये स्टोरी आपके दिमाग की परतें खोल के रख देगी। ऐसी और सफलता की स्टोरीज के लिए मोटिवेट होते रहने के लिए हमारे 2 यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश यादव राजधानी फाउंडा, कल्पेश यादव राजधानी फाउंडा को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें ताकि हम और अधिक बेहतरीन वीडियो बना सके। मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज जो जय राजधानी से सर्च होता है उसे लाइक व शेयर करें। मैंने इस वीडियो के नीचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक्स दिए जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार और स्नेह व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से आ रही कमेंट्स के द्वारा हमें बराबर मिल रहा है, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। कहते हैं किसी इंसान का अपमान उसकी जिंदगी बदल सकता है। कई लोग इस अपमान का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति का बुरा चाहने लगते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति उस अपमान का बदला लेने के लिए खुद को साबित करके उनकी बोलती बंद कर देते हैं। गोविंद जायसवाल उन्हीं में से एक है। गोविंद जायसवाल का जन्म 8 अगस्त 1983 को मंदिरों के शहर बनारस में हुआ। गोविंद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बनारस के उस्मानपुर क्षेत्र के एक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की। गोविंद के घर के आसपास कई फैक्ट्रियां थी। इन फैक्ट्रियों में चलने वाले जनरेटरों की आवाज से परिवार वाले बहुत परेशान रहा करते थे। तेज आवाजों से बचने के लिए गोविंद जायसवाल अपने कानों में रुई डालकर पढ़ाई किया करते थे। गोविंद के पिता नारायण जायसवाल पढ़े लिखे नहीं है और बनारस में रिक्शा चलाते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ खेलने की? तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो और तुम कहां से आते हो? पढ़ लिखकर ज्यादा ज्यादा अपने पिता के साथ काम करके 2 रिक्शे और ले आओगे? ऐसे ताने सुनते सुनते गोविंद जायसवाल के कान पक गए थे। जब गोविंद 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, एक घटना ने उसका जीवन बदल के रख दिया। उसकी दोस्ती एक ठीक ठाक परिवार के बच्चे से हो गई, एक दिन उसके घर चला गया। दोनों खेल रहे थे, इतने में घर का मालिक उस बच्चे का पिता आ गया। गोविंद ने उठ के उनको प्रणाम किया। उस बच्चे के पिता ने पूछा, बेटा आपका क्या नाम है? गोविंद ने कहा, जी मेरा नाम गोविंद जायसवाल है। बेटा आप कहाँ रहते हैं? आपका मकान कौन सी कॉलोनी में, कौन से सेक्टर में? आपके पिता कौन सा बिजनेस करते हैं या कौन से जॉब में? उस 6वीं क्लास के बच्चे को घुमा फिरा के बात करना नहीं आता था। गोविंद ने जवाब दिया, जी हम तो एक कमरे में 5 लोग रहते हैं। मेरे पिता के पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पिता तो रिक्शा चलाते हैं। उस आदमी को बहुत बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कच्ची बस्ती में, गंदी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति किसी को अच्छी बात नहीं सिखा सकता, गलत बात सिखा सकता, अपराधी बना सकता है। उस आदमी को जब इस तरह की बात समझ में आई तो सबसे पहले उसने अपने बेटे को डांटा कि तेरे को शर्म नहीं आई? यही बच्चा मिला क्या दोस्ती करने के लिए? क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे तू दोस्ती रख सकता है। साथ ही साथ गोविंद जायसवाल को भी डांट दिया, भाई मेरा ही बेटा मिला क्या बिगाड़ने के लिए? आज से तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है, आज के बाद में दोनों एक साथ नजर भी आ गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस अपमान के साथ 6वीं क्लास का गोविंद जायसवाल उस घर से निकलता है और सीधा चला जाता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास। जाके बोलता, अंकल मेरे साथ ये हुआ, ये क्या खेलता मेरे समझ में नहीं है। उस आदमी ने समझाना शुरू किया कि बेटा वो लोग पैसे वाले हैं, वो इज्जत वाले हैं, वो सोशली अपने आप को बहुत हाई मानते हैं, हम लोग गरीब है, दबे कुचले वर्ग के, हमारा उनका मेल नहीं हो सकता, हमारा बैकग्राउंड कमजोर है, वो लोग सशक्त व्यक्ति है। गोविंद जायसवाल ने फिर प्रश्न किया, अंकल क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाए, मैं भी उन जैसा बन जाऊं? उस व्यक्ति ने कहा, इसके लिए आपको नौकरी लगना पड़ेगा और छोटी मोटी नौकरी से आप उनके बराबर या उनसे अच्छे नहीं बन सकते, इसके लिए आपको बड़ी नौकरी लगनी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे ने फिर प्रश्न किया, अंकल बताइए सबसे बड़ी नौकरी क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया जहां तक मैं पढ़ा लिखा हूं, जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस है, कलेक्टर। गोविंद जायसवाल ने उस व्यक्ति के मुंह पे कह दिया, अंकल मुझे नहीं पता आईएएस क्या होते हैं, कलेक्टर क्या होते हैं, लेकिन एक वायदा आपसे कर रहा हूं, एक शपथ अपने आप से दे रहा हूं, जिंदगी में अगर कुछ बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, इससे नीचे नहीं बनूंगा। गोविंद जायसवाल के पिता नारायण के पास 33 रिक्शे थे जिन्हें वो किराए पे चलवाते थे, लेकिन पत्नी इंदु को ब्रेन हेमरेज होने के बाद उसके इलाज के लिए 20 से ज्यादा रिक्शे उनको बेचने पड़ गए थे। लेकिन जब गोविंद 7वीं क्लास में था, मां की मौत हो गई थी। गरीबी का आलम ऐसा था कि उनके परिवार को दोनों टाइम सूखी रोटी खाकर रातें बितानी पड़ती थी। बेटियों की शादी में बाकी रिक्शे बिक गए थे। बाद में उनके पास सिर्फ एक रिक्शा बचा था जिसे चलाकर वो अपने घर को पालते थे। पैसे की तंगी कारण गोविंद जायसवाल सेकंड हैंड बुक्स पढ़ता था। उसके पिता सही से सुन भी नहीं पाते थे। रिक्शा ही उनकी कमाई का एक बात साधन था। रिक्शे के दम पे ही सारा घर चल रहा था।
गरीबी की हालत ये थी कि परिवार के 5 सदस्य एक ही कमरे में रहते थे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, गरीबी के तपेड़े झेलते किसी तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी कि हालात उस समय और भी बिगड़ गए जब पिता के पांव में सेप्टिक हो गया। सेप्टिक की वजह से पिता का रिक्शा चलाना नामुमकिन हो गया, घर परिवार चलाने के लिए पिता ने रिक्शा किराए पर देना शुरू कर दिया। पिता की मेहनत की वजह से गोविंद की बहनों की शादी भी हो गई थी। पिता नारायण जायसवाल ने बेटे को IAS बनाने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए अपनी जमीन 30,000 रुपए में बेच के दिल्ली आ गए। यहाँ गोविंद ने 3 महीने के लिए IAS की कोचिंग क्लासेस भी ली। इस बीच एक घटना ने गोविंद जायसवाल के जीवन में तूफान ला दिया। एक दिन गोविंद जायसवाल शाम के समय अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मुझे 50 रुपए चाहिए, कुछ नोट्स और बुक्स लानी है। उसके पिता को बुखार होता है लेकिन वो एक बार भी जाहिर नहीं होने देते कि मुझे बुखार है। वो कहते बेटा ठीक है, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। रात भर बुखार से तड़पते रहते हैं और सुबह जल्दी रिक्शा लेके निकल जाते हैं अपने बेटे की 50 रुपए की व्यवस्था करने के लिए। उस दिन बदकिस्मती से बहुत बरसात हो रही होती है, उस बरसात में बुखार से पीड़ित पिता अपने बेटे की 50 रुपए की व्यवस्था करने के लिए दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को 100 रुपए कमा के लाता है, उसमें से 50 रुपए गोविंद जायसवाल को देता है। गोविंद जायसवाल ने अपनी डायरी में लिखा और बाद में मीडिया को बताया, जब मेरे पिता ने मुझे वो 50 रुपए दिए, उनका बुखार से बुरा हाल था, वो बुरी तरह से तड़प रहे थे, पूरा शरीर में कंपन था, वो कभी भी बेहोश हो सकते थे। गोविंद जायसवाल ने वो गीला 50 का नोट लिया और अपनी झुग्गी में चला गया जहां वो पढ़ाई किया करता था। पूरी रात भर नहीं सो पाया, बार बार कभी नोट को देखता, कभी पिता को याद करता, बार बार उसके दिमाग में ख्याल आता कि मेरे पिता मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, परवाह नहीं कर रहे, बुखार की परवाह नहीं कर रहे, सेहत की, शरीर की, बरसात की, दिन भर रिक्शा चलाया मुझे 50 रुपए देने के लिए। मेरे पिता का, इस भगवान का, मेरे ईश्वर का, मेरे अल्लाह का, मेरे वाहेगुरु का अगर मैं एहसान चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं। रात भर रोने के बाद सुबह थोड़ा नॉर्मल हुए तो उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में 2 लाइनें लिख डाली जो बाद में उन्होंने मीडिया को बताई। उन्होंने लिखा, ये खामोश जिंदगी हमें जीने न देगी यारो, कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में कोहराम मच जाए, कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में तूफान आ जाए। परीक्षा की तैयारी के दौरान गोविंद लगातार 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे और पैसा बचाने के लिए कई बार खाना भी नहीं खाते थे। गोविंद को अपनी पढ़ाई और करियर के संबंध में परिवार से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन कठिनाइयों के दौर में बहनों ने गोविंद का खूब साथ दिया, हमेशा उसकी हौसला अफजाई की, गोविंद की हर मुमकिन मदद की, माँ की तरह प्यार दुलार भी दिया। 3 बहनों में से 2 बहनें ममता और गीता की शादी हो गई थी। उनकी शादी ठीक ठाक परिवार में हुई थी, जो भी पैसा उनके पास आया करता अपने भाई की मदद किया करती थी। बड़ी वाली बहन ममता जो प्रेग्नेंट थी, डॉक्टरों ने कहा था आपके बच्चे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, अपने बच्चे का चेकअप करवाइए, अपना चेकअप करवाइए, यदि आपने बच्चे का चेकअप नहीं कराया तो हो सकता है बच्चा मर सकता है, हो सकता है आप भी मर जाए। लेकिन उस अभागी बहन के पास इतना सा पैसा होता है कि उससे अपना या अपने बच्चे का चेकअप करवाए या फिर उस भाई को दे जिसका कुछ दिनों बाद IAS का इंटरव्यू है और पहनने के लिए जूते और कपड़े नहीं है। उस बहन ने भाई को पैसे दिए, भैया जूते ले आओ, कपड़े ले आओ। वो भाई रोने लग गया, बोला दीदी क्या कर रही है, आपका बच्चा मर सकता है, आप मर सकती है। उस बहन ने फूट फूट के रोते हुए कहा कि मेरा बच्चा मर गया तो मुझे और बच्चा हो जाएगा और मैं भी मर गई तो समाज, इस देश में, इस राष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया आपका IAS बनना न केवल हमारे परिवार के लिए जरूरी है बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जो दबे कुचले वर्ग के हैं, जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, गंदी बस्ती में रहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। भैया आपके IAS बनने से हो सकता है दबे कुचले वर्ग के व्यक्तियों में से लाखों लोग, हजारों लोग IAS बन जाए या किसी मंजिल पे पहुंच जाए। दोनों बहन भाई एक दूसरे लिपट के फूट फूट के रोने लग गए। भाई ने पैसे लिए, जूते और कपड़े खरीदे और इंटरव्यू देने गया और माय डियर फ्रेंड्स आखिरकार वो दिन आया 2006 के IAS का परिणाम घोषित हुआ जिसमें गोविंद जायसवाल ने ओवर 48 बार रैंक पाया जबकि हिंदी भाषा के स्टूडेंट्स में पहला रैंक आया। IAS की परीक्षा में सफल होने के बाद टीवी पर उनका इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने बड़ी बहन ममता से पूछा कि ममता जी बताइए यदि आपका भाई IAS नहीं बनता तो क्या आप उसको दोबारा तैयारी करवाते। वो बहन फूट फूट के रोने लगी, बोली दीदी क्या बात कर रही है, हम दोबारा तैयारी की तो सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास जो कुछ था वो सब कुछ बिक गया था, हमारा रोम रोम कर्जे में था। अगर मेरा भाई इस पहले प्रयास में IAS नहीं बनता तो केवल एक ही रास्ता हमारे पास बचा हुआ था कि सारा का सारा परिवार सुसाइड करता, सारा का सारा परिवार आत्महत्या करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोविंद जायसवाल आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े IAS हैं और उन लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी है जो ये मानते हैं कि पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता, जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। और दोस्तों, हर हिंदुस्तानी को ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिंदगी में कभी हार न मानते हुए लगातार मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए, सफलता मिलती जरूर है इसलिए देर होने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूले, हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी तक पहुंचा दे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी।